दोनों में से एक, या तो मौत या तो मालती, या तो फिर मैं दोस्तों कहां तक फंसा दी। जाएं, रुक जाएं, पूरा वीडियो देख के जाएं। आप लोग को छोटा सा क्लिप देख कर मेरे वीडियो में आ ही गए हैं, तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। पूरा वीडियो देख के जाना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अर्जुन के साथ ऐसा कुछ मैटर्स हो रहा है, मुझे जानकारी मिली है, तो यही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, और मैं आप लोग को क्लिप भी लगा दे रहा हूँ, साथ में आप लोग देखते भी रहना कि अर्जुन से क्या कुछ बात हुई है। तो ज़्यादा नहीं क्लिप में लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लगाऊंगा, आप लोग देख लेना और आप लोग सच्चाई जान लेना और बताते रहना। ओके दोस्तों, थोड़ा सा क्लिप लगाते हैं, आप लोग देख। पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर ये फैला हुआ है। आज इनकी जुबानी से हम सुनना चाहेंगे कि इन पूरी सच्चाई क्या है, क्या सच में इन्होंने मालती से शादी की है, क्या सच में विष्णु ने खुद इनसे शादी करवाई है जबरदस्ती, और इनके ऊपर जो धारा 76 का जो मामला चल रहा है, क्या ये कहां तक सही है, ये खुद बताएंगे। अर्जुन वर्मा, आप मुझे ये बताइए कि विष्णु आपके ऊपर एलिगेशन ये लगा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग सुन लिए होंगे कि अर्जुन चौहान जो है, अर्जुन अभी बोल रहे हैं कि अगर मैं मालती मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं मालती से शादी कर लिया हूं, अर्जुन ने, विष्णु राज ने मेरी शादी कराई है और मैं अब मालती के बगैर नहीं रहूंगा, चाहे मुझे अपना जान देना पड़े। तो सही बात है दोस्तों, ऐसा कहना जायज है अर्जुन का। क्यों जायज है? कि अभी उनके साथ बहुत गलत हो गया है, सोशल मीडिया पे जो है उनका नाम बहुत वो फेमस हो चुका है, समझ लो बहुत घर के आजू बाजू में सब कोई जान चुका है उनके बारे में कि ऐसा ऐसा मैटर्स है। तो दोस्तों मैं साथ में क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहना। और आज की वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रूम के अंदर, क्योंकि बाहर में बहरीन में हो रही है बारिश, तो इसलिए मैं बहरीन में आज बाहर वीडियोस नहीं बनाया, इसीलिए रूम में मेरे को शूट करना पड़ा, तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। बैकग्राउंड जो है ये मेरा रूम का ही है, तो रूम में मेरा कोई दोस्तों स्टूडियो नहीं है, कुछ नहीं है, ये रूम के अंदर ही मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, आप लोग कुछ कुछ क्लिप भी देखते रहना, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और वीडियो में मेरे विजिट कर रहे हैं तो बहरीन से रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, तो मालती चौहान का ऐसा कुछ मैटर सुनने में आ रहा था, तो इसलिए मालती चौहान के मैटर पर मेरी वीडियोस बन रही हैं। तो ओके दोस्तों, थोड़ा सा क्लिप लगाते हैं फिर आप लोग। आपकी वाइफ को ये बहला फुसला कर शादी किए हैं, तो ये मामला आप कोर्ट में या पुलिस में अगर आप दायर करने जाएंगे तो कम से कम 500 जूता खाने वाला काम किए हैं, ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अर्जुन वर्मा को मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनको मेरे हिसाब से 14 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन जब इसमें विष्णु राज खुद इन्वॉल्व हैं तो इनको काहे की सज़ा भैया देना चाहते हो। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों सुन रहे होंगे कि ये जो मीडिया गई है, जो उनसे बातचीत कर रही है, तो बातचीत करने के दौरान वो बोल रहे हैं कि मेरी बेइज्जती बहुत कराई गई और किसी की हैसियत नहीं थी जो मुझे ड्राइवर बना के अपने पास रखते, और ड्राइवर बना के रखे थे तो मुझे आज तक सैलरी कितना दिए। तो सही बात है, अर्जुन का भी कहना सही है कि अगर मुझे ड्राइवर बना के रखे तो कितनी सैलरी दिए। और उनसे हाथापाई कभी हुआ था कि मालती चौहान को मार रहे थे, गर्दन पे पैर रख के मार रहे थे, तो अर्जुन का बस इतना ही वो था। तो कोई भी रहेगा यार, अगर किसी घर में मार झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो कोई भी रहेगा तो छुड़ाने भाई चला जाएगा, देखता रहेगा तो छुड़ाने चला जाएगा। जो मज़ा लेने वाला रहेगा वो नहीं जाएगा, जो थोड़ा सा वो रहेगा कि नहीं यार मार रहा है आदमी, ड्रिंक कर रखा है, कुछ कर रखा है, मार रहा है, तो छुड़ाएगा जरूर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो उन्होंने सही किया छुड़ा के, और आप लोग जरूर जरूर कमेंट करके बताना कि छुड़ा के सही किया या गलत किया। मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर कोई भी आदमी अगर मार रहा है अपने बीवी को, अगर कोई छुड़ा रहा है तो अच्छी बात है छुड़ाना, क्योंकि घर में क्या मैटर्स हुआ क्या नहीं हुआ, और गुस्से में जो विष्णु राज ने दिया अर्जुन को गाली दिया, तो अर्जुन भी जाके टेंशन में बहुत सारा दारू ड्रिंक किए, ड्रिंक करने के बाद में उन्होंने कोई आदमी था फ्रेंड का नाम, मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि क्या आप फांसी लगाने जा रहे हो, तो अर्जुन ने बोला नहीं मैं क्यों फांसी लगाऊंगा, क्योंकि मतलब इतना भी ड्रिंक नहीं कर रखे थे कि उनको होश हवास नहीं था, तो उन्होंने ऐसा कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं ये सब। तो अभी अर्जुन को जो है दोस्तों, मैं एक आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि अगर अर्जुन को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन हो, बस यही मेरा पूछना है कि अगर अर्जुन ने कुछ कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसका फैमिली मेम्बर ने कर लिया, तो उसके बारे में उसका जिम्मेदार कौन होगा, मालती चौहान होगा
या विष्णु राज होगा, कौन होगा इसका, यही मैं जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना अपना साइड से सब कोई अपना अपना साइड हो जाएं, और जैसे फैमिली पहले चल रही थी वैसे चलने लगे, क्यों इतना खज्जल खाना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है। और मैं हूँ बहरीन में, बहरीन से ही वीडियो देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं भी, मेरा भी चैनल है विजय ड्रीम ब्लॉग से, तो मेरे भी चैनल पे आप लोग विजिट करें, बहरीन से रिलेटेड मेरी वीडियो होती हैं दोस्तों, तो इस पे आएँ आप लोग और सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद दें दोस्तों। तो ओके दोस्तों, बस यही मैं जानना चाहता हूँ कि अब विष्णु के अर्जुन के साथ क्या होने वाला है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर दोस्तों किसको सपोर्ट करते हैं, अर्जुन को सपोर्ट करते हैं या मालती चौहान को सपोर्ट करते हैं या विष्णु को सपोर्ट करते हैं या भोजपुरी या भौजी को सपोर्ट करते हैं। भोजपुरी या अर्जुन ने बताया कि भोजपुरी या भौजी का कोई इसमें वो नहीं है, भौजी गोरखपुरी या भौजी ने तो बस समझाया है और सपोर्ट किया है, कोर्ट में जाके भी केस रफा दफा करा दिया था, फिर भी विष्णु नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों विष्णु का ही पूरा गलती दिख रहा है कि विष्णु ने ही अपने हाथों से जाके सिंहूर दान करवाया है और अभी बोल रहे हैं कि अगर मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को कुछ होता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसमें कहने का विष्णु का कुछ भी राइट नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया है कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम लोग को, अब मैं छोड़ दिया, जो मर्जी करो जो मर्जी नहीं करो, तो अभी बीच में विष्णु आके क्यों उन लोग को अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। और मालती चौहान तो अर्जुन के साथ में रहने के लिए राजी नहीं है, और विष्णु बोलते हैं मैं मालती चौहान को रखूंगा नहीं। तो ज़रूर दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या चाहते हैं, और इस मैटर को यहीं पे क्लोज होए या और आगे चलता रहे, सिलसिला कैसा चलता रहे कैसा नहीं चलता रहे, तो आप लोग के कमेंट से ही हम वहाँ की वीडियो से पूछताछ करेंगे और आप लोग को जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर जरूर करके बताना दोस्तों आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और अपने अपने फैमिली का ख्याल रखें दोस्तों। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।